आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में ऑर्डर निकालना है। एक रिएक्शन का दे रखा है a plus b gives p product with respect to a from the following data। तो ये डेटा दे रखा है a, b और रेट का, ठीक है। तो हमें पता है जैसे जो हमारी इक्वेशन दे रखी है a plus b gives p, तो जनरल जो रेट का फॉर्मूला होता है, रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू k, और यहाँ पे होता है a की पावर x और b की पावर y। तो जो x और y क्या होते हैं, जो x plus y होता है, ये हमारा बताता है ऑर्डर, मतलब किस एक्सटेंट पे x पे डिपेंड कर रहा है, किस एक्सटेंट पे y पे डिपेंड कर रहा है। k जो होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट, और x और y क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और ये है हमारा रेट। तो ठीक है, इसी पे हमें देखो, हमें तीन डेटा पता है, इन तीन डेटा से हमें, और तीनों रेट भी पता है, तीन डेटा से हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला डेटा और सेकंड वाला डेटा अगर एक साथ ले लें, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट फर्स्ट वाला और रेट हम कौन सा ले रहे हैं, सेकंड वाला। हमने ये क्यों लिया कि ये दोनों तो सेम है, तो इसकी पावर आराम से कैंसिल हो जाएगी, तो हमें यहाँ से कुछ रेशियो निकल सकता है। तो ये हमारा रेट है, रेट ए की पावर, ए क्या दे रखा है 0.01 की पावर एक्स, और यहाँ पे 0.010 की पावर वाई, अपॉन में नीचे क्या है, रेट टू, रेट टू में क्या दे रखा है के, इसमें दे रखा है 0.01 की पावर एक्स, और यहाँ दे रखा है 0.015 की पावर वाई, ठीक है। तो अब देखो, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, रेट दोनों में क्या है, 5 और 5 है, 5/5, तो ये के से के कट गया, ये वाला पूरा टर्म कट गया, तो अब इसमें क्या बचा, ये है 2 और ये है 3, क्योंकि अगर इसे 5 से काटो, 5 से 15, 5 से 10, तो 2/3 की पावर वाई इक्वल टू 1, ठीक है, 2/3 की पावर वाई इक्वल टू 1। तो किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती ना, जैसे कि अगर हम y बराबर 0 समझ लें तो ये 1 हो गया, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो विद रिस्पेक्ट टू b हमारा ऑर्डर क्या हो गया, मतलब ये हो गया 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड डेटा, क्योंकि इसमें ये और ये दोनों सेम है, तो y वाला टर्म कट जाएगा और x वाले टर्म की पता चल जाएगा हमें। तो इसमें क्या लिखेंगे, रेट फर्स्ट अपॉन रेट थर्ड, तो फर्स्ट वाले का तो रेट ये हो गया, y की वैल्यू क्या है, 10 इंटू वाई, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाले के हिसाब से रेट हमारा क्या है, पहले तो हमारा 0.02 की पावर x, y का क्या है 0.10 सेम है, 0.10 की पावर y, और रेट देख लो यहाँ पे 5 है और यहाँ 14.1 है, तो ये हो गया 5/14.1, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल, k से k कैंसिल, तो क्या हुआ 0.01/0.02 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया है, 5/14.1, ये हो गया 1/2 की पावर x। तो अब हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा log 5/14.1। अब जब इसमें log लेंगे, तो log लेने पे क्या होता है, जो पावर होता है बाहर आ जाता है, पावर log 1/2, तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, log 5/14.1, 14.1 ये 1 है, और डिवाइड by log 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 14 point, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.49, ये आएगा 1.498, जो कि इक्विवेलेंट हो गया 1.5 के, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर जो हमारा है, यहाँ से x प्लस वाई जो है वो ऑर्डर देगा, तो x की वैल्यू हो गई 1.5, y की वैल्यू हो गई 0, तो जो ओवरऑल ऑर्डर हमारा आएगा, ऑर्डर वो हो गया x प्लस वाई, मतलब 1.5 प्लस 0 बराबर 1.5। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर 1.5। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।